मिस्टर 10% कहलाने वाला पाकिस्तान का सबसे मुतनाज़े शख्स, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो सिर्फ अपनी बीवी की शहादत की वजह से सदर बना है, आज पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर अपनी सियासत का लोहा मनवाए हुए है। एक जरदारी सब पे भारी। अगर जमीनी हकायक में इस नारे को देखा जाए तो अमरीका इमदाद मुअत्तल करने के बावजूद दोबारा रजामंद हो गया है। मुंबई हमलों के बाद हिंदुस्तान इल्जाम तराशी से खामोश है। ईरान के साथ मुआहदे चल रहे हैं, मोने सलाही की वजह से क्यू लीग जेब में है। कमिश्नरी निजाम की बहाली के बावजूद MQM के गवर्नर साहब वापस आ चुके हैं। सबसे बड़ी मुखालिफ जमात मुस्लिम लीग नून की सियासत मुतजलजल है और सबसे आखिर में एस्टैब्लिशमेंट और फौज की आंखों का तारा। एक जरदारी सब पे भारी, मगर ये जवाब नहीं सवाल है, क्योंकि इनकी सियासी कामयाबियों के बावजूद मुल्क में तवानाई के बहरान की वजह से तारीकी छाई हुई है। कराची में मुहाजिर पख्तून महाज बना हुआ है और दहशतगर्दी की वजह से खाना जंगी जारी है और बेयकीनी की सी कैफियत है। इस पर गुफ्तगू होगी आज के तज्जिये में, चूंकि कौन किधर कहां कब तो है खबर, क्यों है तज्जिया, हमारे साथ रहिए। आज के तज्जिये में देखिए, एक जरदारी सब पे भारी। नजरियाती इख्तलाफात के बावजूद क्यू लीग, ANP और PPP इत्तेहादी। कमिश्नरी निजाम की बहाली और मौजूदगी के बावजूद MQM की वापसी। खराब मईशत, तवानाई का बहरान, खाना जंगी, मुतनाज़े बजट, इन सब के बावजूद मुस्लिम लीग नून की सियासत मुतजलजल। इख्तलाफात के बावजूद JUIF खामोश। ओसामा की पाकिस्तान में मौजूदगी। अमेरिका का इमदाद मुअत्तल करने के बावजूद बहाल करने पर रजामंदी का इजहार। बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में तनाव के बावजूद ईरान से तवानाई के हसूल के मुआहदे। मुंबई हमलों के बाद खराब सूरत हाल, लेकिन इंडिया कहने पर मजबूर कि धमाकों में पाकिस्तान मुलव्वस नहीं। क्या ये सब जरदारी साहब की सियासी फतूहात हैं या नहीं? अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग, मैं हूं वजाद सईद खान और आप देख रहे हैं तज्जिया। सुना था कि हमारे सदर साहब को घोड़ों का और पोलो खेलने का बहुत शौक है, मगर लगता है, स्पेशली लुकिंग एट द लास्ट कपल ऑफ इयर्स जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, लगता है कि वो चेस मतलब कि शतरंज के चैम्पियन हैं। फैक्ट्स हमारे सामने हैं। अमरीका ओसामा के स्कैंडल के बावजूद फिर से एड कार्ड के फिर से हमारे साथ राजी हो गया है। ईरान बलूचिस्तान के में जो टेंशन चल रही है उसके बावजूद हमसे बातें कर रहा है, हमारे साथ मुआहदे कर रहा है। इंडिया मुंबई ब्लास्ट के होने के बावजूद, ये हरगिज़ नहीं मैंने कहा कि हमारा फॉल्ट था या हमारी इन्वॉल्वमेंट थी, मगर पहली बार हिंदुस्तान चुप हो गया है। पाकिस्तान के के के, के खिलाफ उसने कोई उंगली अभी तक नहीं उठाई। ये तो फॉरेन लेवल पे जरदारी साहब की फतूहात हैं। लोकल लेवल पे सिचुएशन और इंटरेस्टिंग है। लोकल लेवल पे कमिश्नरी निजाम के बावजूद MQM फिर से उनकी जेब में है। गवर्नर साहब उनके वापस आ चुके हैं। JUIF को उन्होंने एक इंसेंटिव दिया है। आज JUIF के जो एक साहब हैं वो सेनेट में फिर से अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करेंगे। नून लीग के इर्द गिर्द उन्होंने सर्कल्स बना लिए हैं। नून लीग को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। ओवरऑल PMLQ उनकी जेब में है मोनिस लाई की वजह से। द मैन इज अ जीनियस और इज ही अ इविल जीनियस, इस पे बात होगी कि क्या जरदारी सब पे भारी। आज हमें ज्वाइन करेंगे नून लीग से शायद खाकान अब्बासी साहब। खाकान अब्बासी साहब मरी से MNA हैं नून लीग के। अभी अभी मरी का मौसम इंजॉय करके, इस्लामाबाद की गर्मी इंजॉय करने फिर से वापस आ गए हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। फोन पे हमें ज्वाइन करेंगे PPP के आउट स्पोकन द वन एंड ओनली कमर जमान कायरा साहब। ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो जरदारी साहब की साइड लें। और आउटस्पोकन क्रिटिक ऑब्वियसली ऑफ प्रेसिडेंट जरदारी कराची से हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर आरिफ अलवी, जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मगर इससे पहले कि गुफ्तगू शुरू हो, इससे पहले कि तज्जिया शुरू हो, हम एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। रिपोर्ट में जरदारी साहब की जो सियासी फतूहात हैं या जो उनकी शॉर्टकमिंग्स हैं, जो उनके फेलियर हैं, उन पर जरा हम उसका जायजा लेंगे। मुलाहजा कीजिए। हम प्रेसिडेंट हाउस में पीपल्स पार्टी के किसी जियाले को बिठाएंगे, ये अल्फाज हैं मुल्क के अजीम लीडर की शहादत पर उनके शोहरे नामदार के।
हजार मुखालफतों के बावजूद आसिफ अली जरदारी जब मनसब सदारत पर बराजमान हुए तो पाकिस्तान में ही नहीं पाकिस्तान से बाहर भी सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। लेकिन जयाले एक जरदारी सब पे भारी के नारे लगा रहे थे। फतुहात का आगाज हो चुका था और किस्मत की देवी भी खूब साथ दे रही थी और शायद अभी तक दे रही है। साबिक सदर मुशर्रफ की रुखसती, अदलिया की बहाली, NFC अवार्ड, 18वीं तरमीम की मंजूरी, सवात में कामयाब मिलिट्री ऑपरेशन और सियासत में ANP, MQM, मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग काफ जेब में। मुस्लिम लीग नून कभी खुश कभी नाराज, कभी पंजाब में गवर्नर राज तो कभी सिंध में कमिश्नरी निजाम। पाकिस्तान में ही नहीं पाकिस्तान से बाहर भी कामयाबियां। अमेरिका इमदाद बहाल करने पर रजामंद, ईरान के साथ तवानाई के मुआहदे, चीन के साथ तजारती मुआहदे और सबसे बढ़कर हमारे रवायती हरीफ ने पहली मर्तबा बर्मला कहा कि मुंबई धमाकों में पाकिस्तान मुलविस नहीं, मुज़ाकरात जारी रहेंगे। अवाम, सियासतदान और हिस्बे इख्तलाफ चाहे कुछ भी कहें, जियालों के इस नारे में दम तो है कि एक जरदारी सब पे भारी। एक जरदारी सब पे भारी। शायता खान अब्बासी साहब, वेलकम टू द शो। सिंपल सा सवाल, आपकी पार्टी को कुछ इस वक्त पता है कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, कोई कंपस शंपस है? बिकॉज लगता है कि जरदारी साहब ने जो बॉर्डर खींच दी है, आप लोग तो उसे बाहर नहीं खड़े हो सकते इस वक्त। इतनी संगीन किस्म की पोजिशन है आपकी। MQM आपका साथ देते देते भी चली गई वापस उनकी जेब में। चक्कर क्या है? हाउ इज दिस मैन रनिंग सर्कल्स अराउंड योर पार्टी? देखिए, हमारी पार्टी जो है वो अपनी जगह पर कायम है। जहाँ पर जो हमारा असूली मौकफ जब यह हुकूमत शुरू हुई जो था, आज भी वही है। तो अगर जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी या दूसरी जमातें जो हैं वो अपने हलीफों को हरीफ बना लेती हैं, हरीफ को हलीफ बना लेती हैं, ये उनका काम है। हमने तो हमेशा कहा कि हमने असूल पर सियासत करनी है, उसी पर कायम रहना है, मुल्की मसाइल को हल करने की बात करनी है और अपोजिशन में रहकर अपना रोल अदा करना है। और साथ ये भी कहा कि हम हुकूमत को नंबर्स गेम में नहीं डालेंगे, यानी डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे, रवायती सियासत की तरफ नहीं जाएंगे। और आप पहले दिन से देख लें, मरी में जो मायदा हुआ, जो COD के बिल्कुल यानी ये कंटिन्यूएशन था, और उसके बाद से आज तक देख लें, मैं ये समझता हूँ कि हमारी जमात ने हमेशा उसी मौके पर चला है और मुल्की मसाइल की बात की है, कुर्सी की सियासत नहीं की। मगर अगर कुर्सी की सियासत नहीं की तो कुर्सी का शायद आपकी पार्टी को शौक नहीं रहा, बिकॉज लग ये रहा है कि वो इस वक्त इतनी मुस्तहकम किस्म की पोजीशन में, इतने स्ट्रांग हुए हैं, ANP उनके साथ है, PMLQ को उन्होंने अपनी जेब में डाला हुआ है, MQM को फिर से राजी कर लिया है, इंटरनेशनल फ्रंट पे एवरीबॉडी इज अलाइंड, हर एक पाकिस्तान के साथ है। जरदारी साहब तो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट भी अब जरदारी साहब को क्रिटिकल समझती है अपने रोल के लिए, लोकल एंड ग्लोबल रोल के लिए, और आपकी पार्टी अकेली है सर, आपकी पार्टी अकेली है। देखिए, जमात हर इलेक्शन में जाती है, हर जमात अकेली ही होती है, उसे इलेक्शन लड़ना होता है। नहीं, मैं इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं सियासी मैनूवरिंग्स की, सियासी मैनूवरिंग्स की सर, चीज का फैसला इलेक्शन पे होगा कि लोग क्या समझते हैं। अगर आप मुल्की मसाइल को देखें, आप कोई एक मसला बता दें जिसको हल करने में पीपल्स पार्टी कामयाब हुई हो। अच्छा चलें, पॉलिसी की तो बात उस पे, बात इश्यूज की है, जरा सा नहीं, मेरा सवाल पॉलिसी पे नहीं था, मेरा सवाल सियासी मैनूवरिंग्स पे था, पॉलिसी पे अभी बहुत प्रोग्राम, पहले कहता हूं अगर आप सियासी मैनूवरिंग के हवाले से नापना तोलना शुरू करें तो यकीनन आज आसिफ जारी साहब कामयाब सियासतदान है। चलें ठीक है, चलें ठीक है, लेकिन आपने एडमिट कर दिया कि वो कामयाब, लेकिन वो कामयाबी मुल्क की कामयाबी नहीं है, ये काफी बड़ी एडमिशन है। गैरा साहब, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू सर, कैसे हैं, ठीक ठाक? अच्छा गैरा साहब, मुझे ये बताएं कि इधर शायद खाकाम वासी साहब बैठे हुए, उन्होंने तो एडमिट कर दिया है कि जरदारी साहब जीनियस है, पोलिटिकल जीनियस है, मगर पॉलिसी शॉलिसी कोई रियल सस्टेनेबल रिजल्ट जो है वो नहीं लाए, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जीनियस हैं या इविल जीनियस हैं? देखिए जी, पहले तो मैं आपके जो प्रोग्राम है उसका जो आपने इंट्रो दिया उसमें आपने बताया कि एक जरदारी सब पे भारी, ये वो नारा है जिसको जरदारी साहब ने खुद मना किया कि इसमें तफाखर और बड़ा अकड़पन का मुजाहरा है। बिल्कुल अपने कारकुनों को मना किया कि ऐसा नारा ना हमारी पार्टी की पॉलिसी है और ना ये अंदर लगेगा, लेकिन ये लोगों का, ये पार्टी कारकुनों के अपने जज्बात थे, उन्होंने इसको मना किया। जहां तक ताल्लुक का सदर साहब की जनाब जरदारी साहब की पर्सनैलिटी को, उनके पॉलिटिकल करियर को एनालिसिस करने की बात है, पॉलिसीज की बात है, वो देखना पड़ेगा कि उनको शासक में
किस हालात में सियासत उनको मिली, पाकिस्तान उनको किन हालात में मिला। जरदारी साहब ने जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत संभाली थी, मोहतरमा शहीद हो चुकी थी, पीपल्स पार्टी के अंदर लोगों में बड़ी मायूसी, बड़ी तकलीफ थी, पाकिस्तान में उस वक्त आग लगी हुई थी, पाकिस्तान की अपनी रियासत की सूरत हाल ये थी कि हम आलमी तन्हाई का शिकार थे, दुनिया में कोई मुसलमान मुल्क भी हमारे साथ करने को तैयार नहीं था, ठीक है, और दहशत गर्द जो है पाकिस्तान के अंदर इतना पेनिट्रेट कर चुके थे कि सवाद के बारे में भी बात हो रही थी कि अब तो 50-60 किलोमीटर दूर रह गए इस्लामाबाद से, आज आए कि कल आए।